ये जो आपने शब्द सुना होगा कि जागरण हो रहा है, जागरण का मतलब है कि जो जागने का कार्यक्रम हो रहा है, जगाने का कार्यक्रम हो रहा है, जागरण बोलते हैं उसको, यानी कि जागते रहना। पुरानी पाली भाषा में जागरण का मतलब है जागते रहना। ये जागरण की व्यवस्था और लोगों को जगाने की और जागृत करने की, अवेकन करने की, ये सारी व्यवस्था भगवान बुद्ध ने बनाई और भगवान बुद्ध ने इसको पैदा किया, उन्होंने ही लोगों को जगाया। आदिमूल दाना विर्मनि सिक्खा पदं स्मार्यामि, आदिन दाना विर्मनि सिक्खा पदं स्मार्यामि। धम्मपद गाथा कथा नंबर 85-86 दोनों की कथा एक ही है और कथा बहुत मजेदार है। ये जो आपने सुना होगा कि रात को जब चोर आते हैं, कहते हैं जाग पड़ गई, जागरण हो गया, गांव में जब चोर वगैरह आते हैं तो सब लोग जाग जाते हैं, कहते हैं जाग पकड़ गई। तो जैसे ही जाग पड़ जाती है, सारे लोग सोते से जाग जाते हैं, चोर गांव के बाहर से ही भाग जाते हैं, कहते हैं जाग पड़ गई, सब लोग जाग गए इसलिए भाग जाओ। यानी अगर सोए रहोगे तो चोरी होगी और अगर सोते नहीं रहोगे, जाग जाओगे, तो फिर चोरी नहीं होगी, चोर को भागना पड़ेगा। चौकीदार भी कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, और वो अपने डंडे से खट खट की आवाज भी करता रहता है कि अगर वो कहे भी ना तो इशारा समझ लो कि ये जागते रहने की जरूरत है। चोर जागते हुए क्षेत्र में नहीं आते, चोरी नहीं होती। ये जो आपने शब्द सुना होगा कि जागरण हो रहा है, जागरण का मतलब है कि जो जागने का कार्यक्रम हो रहा है, जगाने का कार्यक्रम हो रहा है, जागरण बोलते हैं उसको, यानी कि जागते रहना। पुरानी पाली भाषा में जागरण का मतलब है जागते रहना। ये जागरण की व्यवस्था और लोगों को जगाने की और जागृत करने की, अवेकन करने की, ये सारी व्यवस्था भगवान बुद्ध ने बनाई और भगवान बुद्ध ने इसको पैदा किया, उन्होंने ही लोगों को जगाया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया, लोगों को बताया कि कैसे सुख आता है, कैसे दुख आता है। ये सारी व्यवस्था वहां से चली है। तो सावित्री के अंदर जो ये जागृति या जागरी है या जागरण या जाग, इसके कार्यक्रम वहां लगते रहते थे। सावित्री में एक बार बहुत बड़ा जागरण का कार्यक्रम समारोह हुआ, 24 घंटे में कभी भी हो सकता है जागरण का कार्यक्रम, मोस्टली क्योंकि लाइट तो उस समय थी नहीं और ना ही कोई गैस की लालटेन थी और ना ही कुछ ऐसा था, दिया बाती या मोमबत्ती हुआ करती थी। मोमबत्ती भी बहुत रेयर हुआ होगी क्योंकि मोम की जो मात्रा है वो तो मधुमक्खी से मिलती है, तब पेट्रोलियम वाला मोम तो होता नहीं था, इसलिए दीपक, क्योंकि अत दीपो भव जो बोला है वो उसी से बोला है। दीप के दो मतलब है, एक टापू और एक दीपक जो बनता है। तो जागरण अधिकतर दिन में हुआ करते थे और सुबह का समय सबसे बढ़िया होता था। जिसके यहाँ जागरण होना है, जिसने जागरण कराया है या जिस बस्ती में जागरण होना है, वहां सारे लोग पहले से तय करते थे, भोजन वगैरह का कार्यक्रम होता था, भिक्कुओं को बुलाया जाता था, भिक्कू अपना सुबह सुबह आके वहां देशना करते थे, जागरण करते थे, फिर वो खाना खाते थे। खाना खाने के बाद उनको फिर जागना सिखाया जाता था, ध्यान विपस्सना साधना, और फिर वो कार्यक्रम चलता रहता था। ऐसे ही सावित्री में एक जागरण की व्यवस्था की गई, बहुत बड़ा जागरण था, पूरा सावित्री उसमें आया, कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा था। भिक्कू चूंकि बहुत एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एक एक चीज को शांत स्वभाव से देखते हैं, विपस्सना में देखते हैं और समाज में देखते हैं, उन्होंने देखा कि कुछ लोग तो उठ के चले गए क्योंकि उनको कोई ना कोई काम कामा, यानी कि कोई काम की कोई इच्छा की जागृति हुई होगी, उसको पूरी करने के लिए चले गए, कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ रोना, कुछ कमाना, कुछ धाना। कुछ लोग उठकर वहां टहलने लगे, यानी कि जो टहलने लगे लोग वो इसलिए टहलने लगे कि हम हैं भी और हम नहीं भी हैं। कुछ लोग वहीं बैठे रहे मगर वो ऊँघते रहे, उनको नींद आती रही, जमाई लेते रहे, ऊँघते रहे, कुछ उसमें सो से भी गए, और कुछ लोग थे वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे और एक एक शब्द को अपने अंदर उतार रहे थे। महाजागरण का कार्यक्रम खत्म हुआ, जागृति का कार्यक्रम खत्म हुआ, जागरिया का कार्यक्रम खत्म हुआ, जगाने का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो सावित्री जैतवनाराम में भिक्कुओं में चर्चा चली, भगवान के सामने ये बात आई कि जागरण के समय कुछ इस प्रकार के लोग देखे गए, कुछ ऊँघते हुए, कुछ सोते हुए, कुछ टहलते हुए, कुछ वहां से चले गए और कुछ ध्यान से सुन रहे थे। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, जो गाथा नंबर 85-86 है। उन्होंने बताया कि ये जो नदी है, यानी गंगा बोलते हैं उस समय, ये जो गंगा होती है,
इसके दो तट होते हैं, दो तीर होते हैं, तीर को तट भी बोलते हैं, बैंक किनारा भी बोलते हैं, दो तीर इसके होते हैं। एक तीर पर जो संसारिक गतिविधियां हैं, संसारिक माने संसार, से सार यानी कि स्वयं का निज का जितना सार है जो हम करते हैं, जिसको लौकिक क्रिया बोलते हैं, जिसको मृत्यु जीवन की क्रिया बोलते हैं, यानी कि हम यहाँ पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, और पूरे जीवन में जो भी कार्यक्रम मनुष्य या प्राणी करता है। और दूसरे तट पे जो होती है वो अलौकिक होती है, यानी कि उसमें शरीर नहीं होता, अलौकिक होती है वो, और वहां निर्वाण प्राप्त होता है, वहां अमृत पद प्राप्त होता है, वहां अमर होता है। वहां की जितनी भी क्रियाएं हैं वो अलग तरह की हैं, जिसमें जीने का मरने का नहीं होता, आदमी हमेशा अमृत प्राप्त करके, निर्वाण प्राप्त करके पहुंच जाता है। इन दोनों तीरों के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में, यानी गंगा के जो दोनों तट हैं इनके बीच में जो ये पानी बह रहा है, जो ये उदकंग बह रहा है, उदक बह रहा है, इस उदक, इस पानी को तैरने का काम कठिन है, काफी कठिन है, और कुछ ही जो मेधावी और कुछ ही जो जानकार लोग हैं और जो कुछ मेहनती लोग हैं वही इसको पार कर पाते हैं। क्योंकि जब इसको पार करना होता है तो बार बार पानी आपको बहा के ले जाता है, उससे बचना है, समझदारी दिखानी है, डूबना भी नहीं है और सैकुशल उधर पहुंचना भी है। तब ये जो गाथा कहीं 85 और 86 ये बाल बग्गो की कहानी है, यानी कि जो बाल बग्गो के चैप्टर है इस प्रकार से है, 85 नंबर। अपका ते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरा पजा तीर मेवानु धावती। अपका ते मनुष्येषु, अपका ते मनुष्येषु का मतलब है अप माने होता है या अपक माने होता है कुछ थोड़े से, और ते माने वे और मनुष्येषि माने मनुष्यों में, यानी कि जो मनुष्य हैं, मनुष्य उनको कहते हैं जो पांच सील का पालन नहीं करते, समझदारी नहीं दिखाते, और जो पांच सील का पालन करते हैं, समझदारी दिखाते हैं, उनको देवता बोलते हैं। तो यहां मनुष्य की बात हो रही है कि मनुष्यों में कुछ ही ऐसे थोड़े से हैं अप का है, ये जना पार गामिनो, ये जना का मतलब है जो जन, जो मनुष्य पार गामिनो पार जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, दुखों से पार चले जाते हैं, पर लोग चले जाते हैं, अलौकिक स्थिति में चले जाते हैं। अथायंग इतरा पजा, अथायंग इतरा पजा, यहां से इतरा माने दूसरा या अन्य या सामान्य, और पजा यानी यहां जो ये अन्य जो दूसरी प्रजा है, जो लोग हैं, तीर मेवानु धावती, तीर मेवानु धावती का मतलब है तीर एव मेव धावती, तीर एव मेव का मतलब होता है इस प्रकार, तीर का मतलब होता है तट और धावती माने दौड़ता है, यानी कि बाकी जो लोग हैं वो इसी प्रकार किनारे किनारे दौड़ते रहते हैं, पार नहीं कर पाते कभी भी, इसी में फंसे रहते हैं, इसी भंवर में चलते रहते हैं। यहीं पर उन्होंने इसी कथा के अनुसार दूसरी गाथा कही, गाथा नंबर 86, जो इस प्रकार है। ये चै खो सम दखाते धम्मे धम्मानु वत्तिनो ते जना पार में संति मच्चु धेयं सुदुत्तरं। ये जो खो सम दखाते, ये जो, ये का माने जो और चे माने और खो माने वास्तव में, और सम दखाते का मतलब होता है जो सम्यक रूप से अख्यात है, जो सम्यक रूप से अख्यात किया हुआ है, जिसका विश्लेषण किया है, यानी ये जो वास्तव में सम्यक रूप से, सही रूप से अख्यात किया हुआ है, बताया हुआ है, क्या है? धम्म, धम्मे धम्मानुवत्ति को, धम्मे धम्मानुवत्ति को मतलब है धम्म, और धम्मानुवत्ति के का मतलब है जो धम्म के अनुसार, धम्मानुसार वृत्ति करता है, व्रत में घूमता है, बार बार उस व्रत में घूमता है, उसका अभ्यास करता है, बार बार रिपीट करता है चक्र में, उसको धम्मानुवती बोलते हैं, यानी कि धम्म के अनुसार व्रत करने वाला, वती करने वाला, चक्र लगाने वाला, धम्म अनुयायी या धम्म को मानने वाला। तो ये जो अच्छी तरह से आख्यात किया हुआ धम्म है, बताया हुआ धम्म है, इसमें जो धम्म को मानने वाला, जो अभ्यास करने वाला है, क्या करता है? ते जना पार मिस्संति, ते जना पार मिस्संति का मतलब है ते माने वे, और जना माने जन, और पार मिस्संति का मतलब है पार करेंगे, पार में सती का मतलब पार करेंगे, यानी कि जो अच्छी तरह से अख्यात, जो बताया हुआ धम्म है
इसको धमकी प्रैक्टिस करने वाले वे लोग इसको पार करेंगे। मच्चू धेयंग सुदुत्तरंग, मच्चू धेयंग, मच्चू धेयंग का मतलब है मच्चू माने मृत्यु और धेयंग माने उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, यानी कि जो मृत्यु का अधिकार क्षेत्र है जहां मृत्यु आती है हर संभव कोशिश में आती है, चाहे आप कितना छुटकारा पा लो, चाहे कितनी ही दवाई खा लो, चाहे कितने ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, चाहे कितना ही पैसा आप कमा लो, चाहे कितने बड़े राजा बन जाओ, चाहे कितने बड़े रंग, उसका क्षेत्र है मृत्यु का, अगर उसमें आप रहेंगे तो मृत्यु आएगी आएगी। सुदुत्तरंग, सुदुत्तरंग का मतलब है अच्छी तरह से जो दुष्कर है, यानी कि जो अच्छी तरह से बताया हुआ धम्म है, जो लोग इस धम्म का अभ्यास करते हैं वो मृत्यु के क्षेत्र से, मृत्यु से परे हो जाते हैं, उनको फिर मृत्यु नहीं आती, वो इसको पार कर जाते हैं, मगर ये जो मुश्किल बात है इसको भी पार कर जाते हैं, यानी कि मृत्यु क्षेत्र से निकलना मुश्किल बात है, फिर भी अच्छे धम्म के चाहने वाले, समझने वाले, प्रैक्टिस करने वाले निकल जाते हैं उससे। ये है गाथा नंबर 86। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.